हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं अर्जुन देवासी और आप देख रहे हैं मुझे सॉरी टीवी से। नाउ इस तरह के आर्टिकल आपने रिसेंटली देखे होंगे जिसने कहा गया है कि इंडिया 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के बाद फ्रांस से पुराने मिराज 2000 क्यों खरीद रहा है। इस तरह के आर्टिकल आपने देखे होंगे और बहुत से लोग इस पर गवर्नमेंट से सवाल भी कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स को भी इस पर ट्रोल किया जा रहा है। तो पहले ये टॉपिक मैं कवर नहीं करने वाला था, लेकिन जब मैंने कल फेसबुक पे और ट्विटर पे कुछ ट्रोलर्स को देखा जो इस तरह से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट को ट्रोल कर रहे थे, तो उनको जवाब देने के लिए मैं वीडियो पूरी डिटेल के साथ बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप पूरी डिटेल के साथ ये जानेंगे कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, अब फ्रांस से पुराने जो उनके यहाँ रिटायर्ड होने वाले जहाज़ों को क्यों खरीद रहा है और इसके पीछे क्या वजह है। साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि मिराज 2000 का क्या इतिहास है और इसे इंडियन एयरफोर्स में कब कंडक्ट किया गया था। तो इस पूरी जानकारी आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में मिलेगी। सो आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी और मुझे आशा है कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे। और इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट और इंडियन आर्मी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट की। तो सबसे पहले ये फाइटर एयरक्राफ्ट उसी कंपनी के द्वारा बनाए गए जो कंपनी आज राफेल बना रही है, यानी कि डसॉल्ट एविएशन द्वारा ही मिराज 2000 भी बनाए गए थे और इसे 1983 में बनाया गया था, 82-83 में बनाया गया था और इसे 1983 में फ्रेंच एयरफोर्स ने अपने एयरफोर्स में कंडक्ट किया था। और इसके अलावा जब इंडिया को क्या जरूरत पड़ी, तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब 1982 में अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि वो अपना F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को देने वाला है, इस पर इंडियन गवर्नमेंट भी चिंतित हुई कि अगर पाकिस्तान के पास F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट है तो इसे काउंटर करने के लिए हमें भी कुछ ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। तब हमें सोवियत यूनियन से ऑफर आया था MiG-23MF का, लेकिन उस वक्त जो मिग जहाज था वो F-16 के मुकाबले बहुत ही कमज़ोर था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम मिग जहाज न खरीद करके फ्रांस से अपना मिराज 2000 खरीदेंगे। और फ्रांस ने भी हमें ये कहा कि हम मिराज 2000 बना रहे हैं और इसके बाद हम अपनी एयरफोर्स में भी इसे शामिल करने वाले हैं, इसके बाद एक साल बाद हम ये जहाज आपको दे देंगे। तो इसलिए उस वक्त की गवर्नमेंट ने 36 ऐसे सिंगल सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए थे जो इंडिया को मिले थे और इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया था। और आज के टाइम में इंडिया की बैकबोन कहा जाता है मिराज 2000 जहाज को। नाउ इंडियन एयरफोर्स में मिराज 2000 का बहुत ही क्रिटिकल रोल रहा है, चाहे वो 1999 का कारगिल युद्ध हो या फिर बालाकोट की एयर स्ट्राइक हो, वो भी मिराज 2000 द्वारा ही की गई थी। तो 2011 में इसे अपडेट भी किया गया था और शुरुआत में सिर्फ 36 ही खरीदे थे, इसके बाद 11 और ऑर्डर दिया गया था 2004 में, और 2004 में 11 और ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए थे। नाउ अब सवाल ये उठता है कि इंडियन एयरफोर्स अब वापस से पुराने मिराज जहाज क्यों खरीद रही है, इसके पीछे क्या वजह है। एक तरफ से तो हम कह रहे हैं कि हम MiG-21 जहाज़ों को रिटायर्ड करने वाले हैं, तो MiG-21 की तरह ये भी पुराने हैं, तो हम इसे भी क्यों रिटायर्ड नहीं करते और इसे हम आगे चलाने की क्यों बात चल रही है। इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि हम मिराज जहाज़ों को लगभग 2030 या 31 तक चलाएंगे, तो ऐसा क्यों है। नौ इस मामले में आपको समझना होगा कि जो मिग जहाज है उनका ट्रैक रिकॉर्ड सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही ख़राब है, इसके मुकाबले जो मिराज जहाज है उनका एक्सीडेंट के मामले में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। बहुत ही कम ऐसे मामले हुए हैं जब मिराज एक्सीडेंट होकर के किसी पायलट की जान गई हो, लेकिन इसी के उल्टा जो मिग जहाज है वो बहुत ही ज़्यादा क्रैश होते हैं। इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स मिग जहाज़ों को रिटायर करने की बात कर रही है और साथ ही में मिराज है उसको आगे और बढ़ाने की कोशिश कर रही है। नाउ मेन अब सवाल ये आता है कि इंडियन एयरफोर्स ने पुराने जहाज क्यों खरीदे। तो जो पुराने हम फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं फ्रांस से, वो डील हमारी सिर्फ 27 मिलियन यूरोज में हुई है, रफली आप कह सकते हैं 300 से 350 करोड़ इंडियन रुपीज में। तो इतने सस्ते में जो हमें फाइटर एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं तो वो हम फाइटिंग के लिए नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम उनके स्क्वायर पार्ट के लिए ले रहे हैं, उनमें जो काम की चीज़ होगी वो लेकर के हम अपने जो हमारे पास अभी 49 फाइटर एयरक्राफ्ट है मिराज उनको अपडेट कर करके और आगे चलाएंगे। इसके लिए हम 24 ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, जिनमें से ये भी कहा जा रहा है कि जो 8 फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे वो रेडी टू फ्लाई होंगे, बाकी के फाइटर एयरक्राफ्टों को कंटेनर में भर करके इंडिया लाया जाएगा। तो ये था पूरा मुद्दा और इस पर हमारे कई लोगों ने बहुत से खराब कमेंट भी किए और इंडियन एयरफोर्स को क्रिटिसाइज भी किया है। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि पहले किसी मामले को पूरा देखें और उसके बाद कमेंट करें, क्योंकि आप जिस पर सवाल उठा रहे हैं उस पर देश की सुरक्षा का पूरा जिम्मा है, इसलिए ऐसा ना करें। और करते हैं इस वीडियो को एंड, और इसी तरह से आप इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इशू,
आर्मी से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप सौर्य स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।